धमतरी में विभिन्न व्यवसायिक संगठनों और समाज के प्रमुखों ने एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की मांग को लेकर प्रशासन से मुलाकात की और इस दौरान लोगों ने सभी समाज के लोगों ने भाजपा और कांग्रेस के नेता इसमें शामिल रहे। शहर में अब तक करीब कोरोना के 400 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और जिसमें से 150 अभी एक्टिव है और साथ ही 11 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। ऐसे में पूरे शहर में कोरोना का खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। नेताओं ने शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की मांग की है तो वहीं विधायक का कहना है कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन को एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। वहीं कलेक्टर का कहना है कि लॉकडाउन पर विचार विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। शहर में लगातार जिस प्रकार की विकराल स्थिति है उसको देखते हुए सभी वर्ग ने ये निर्णय लिया है कि धमतरी शहर को और यहाँ तक कि जिले को भी पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया जाए और कलेक्टर साहब से एक सार्थक चर्चा हुई है और उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार से एक अनुमति की आवश्यकता होती तो जल्द वो उस सरकार से अनुमति लेके लॉकडाउन की घोषणा करेंगे। एहतियात के तौर पर दुकानों के समय को वो कम करना चाहते हैं तो दुकान के समय को हम लोग कम करेंगे, साथ में N95 मास्क या मास्क जो भी मास्क लोगों के पास अवेलेबल है भीड़ भाड़ के इलाकों को जो है नियंत्रित करना है। पूरे विचार विमर्श करने के बाद जो है उसपे निर्णय लेंगे। इसके लिए विभाग प्रमुखों की भी बैठक रखी जाएगी और उसमें SP साहब और सभी लोगों को बुला कर फिर उसमें निर्णय लिया जाएगा।